हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल आर हेल्थ एंड वेलनेस। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस जो ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे अगर कोल्ड वेदर है और उसमें लो विजिबिलिटी है तो क्यों होती है? वो इसलिए होती है क्योंकि एयर में अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स होते हैं या फिर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, और जो कि फ्रीली सस्पेंडेड रहते हैं, जो आपकी विजिबिलिटी को हैम्पर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ओजोन होल का मतलब क्या है? कि ओजोन लेयर में होल हो जाता है? नहीं, इसका मतलब होता है ओजोन लेयर आपकी थिंड आउट हो गई है। ओजोन लेयर क्यों डिप्लीट हो रही है? क्योंकि मैन मेड कंपाउंड्स का बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ हो रहा है, जिसमें क्लोरो फ्लोरो कार्बन्स हैं, मतलब क्लोरीन कंटेनिंग भी है और क्लोरीन कंटेनिंग भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक्वाटिक एनवायरनमेंट में अगर टेम्परेचर चेंजेस होते हैं और काफ़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट में होते हैं, तो क्या अफेक्ट होता है सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लाइकेंस की अगर ग्रोथ होती है बैरन रॉक्स में, तो उसके बाद किस चीज़ की ग्रोथ देखने को मिलती है? तो मिलती है आपको मॉस की ग्रोथ। रेनफॉल पैटर्न्स आपको किस पर डिपेंड करते हैं? कौन सी ऐसी सिग्निफिकेंट चीज़ है जिस पर रेनफॉल पैटर्न्स डिपेंड करते हैं? तो ये डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ वाटर बॉडीज इन एन एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर इन्वायरमेंट की सारी ही ऑक्सीजन ओजोन में कन्वर्ट कर दी जाए तो क्या होगा? तो वो पॉइजनस हो जाएगी हम लोगों के लिए और सारे ही लिविंग फॉर्म्स के लिए हार्मफुल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एयर पॉल्यूशन के हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में। तो क्या प्रॉब्लम्स होती हैं एयर पॉल्यूशन के वजह से? एसिड रेन हो सकती है, जो कि आपकी बिल्डिंग्स को, आपके प्लांट्स को, आपकी वेजिटेशन को हार्म कर सकती है। ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो सकता है, जिससे कि अल्ट्रावायलेट रेज, हार्मफुल यूवी रेज हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, जिससे टेम्परेचर चेंजेस होंगे, क्लाइमेट चेंजेस होंगे, वेदर चेंजेस होंगे, या फिर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे एस्थमा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वाटर पोल्यूशन के हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में। तो क्या दिक्कतें हो सकती हैं? एक तो यूट्रोफिकेशन हो जाता है। नेक्स्ट होता है वाटरबॉर्न डिजीजेस के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे कोलेरा, जॉन्डिस, टाइफाइड, या फिर केमिकल्स का बायोमैग्निफिकेशन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिकम्पोजर्स और उनके रोल के बारे में। तो डिकम्पोजर्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डेड रिमेन्स जो होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स के, उनको डिकम्पोज करते हैं और वापस उन्हें इन्वायरमेंट में सिंपलर फॉर्म में रिटर्न करते हैं। रोल इनका क्या रहता है? एक तो आपकी न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग अच्छे से होती है बायोस्फीयर में, जो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं उनको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं डिकम्पोजर्स, और जो डेड रिमेन्स होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स के, उनके कम्प्लीट डिस्पोजल में हेल्प करते हैं डिकम्पोजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फोटोसिंथेसिस का कार्बन साइकिल में क्या रोल रहता है? तो सबसे पहले तो फोटोसिंथेसिस की वजह से ही कार्बन डाइऑक्साइड लाइफ फॉर्म्स में इनकॉर्पोरेट होती है, और नेक्स्ट रोल आता है फोटोसिंथेसिस की वजह से ही कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रेस्पिरेशन का क्या रोल रहता है कार्बन साइकिल में? तो सबसे पहले तो ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को और एनर्जी प्रोवाइड करती है रेस्पिरेशन। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।